हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एड सेक्रेट इंटरनेशनल। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाई वीज़ा गेट रिफ्यूज्ड। अगर आपका भी वीज़ा रिफ्यूज हुआ है या अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं अपने वीज़ा के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक और वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, जो कि है US वीज़ा के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। उसका प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अपना US वीज़ा विदाउट एजेंट अपने आप ही आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उस वीडियो का लिंक मैं इस आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक करें एंड मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखें, सो डैट यू कैन गेन सम नॉलेज अबाउट गेटिंग अ वीज़ा बाई योर सेल्फ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दे आर मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका एक वीज़ा रिफ्यूज होता है। जो एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है, वो आपका वीज़ा देने से, ग्रांट करने से पहले दे आर मैनी फैक्टर डैट ही और शी चेक्स। सो हम उस फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या फिर एक्सेप्ट होता है, आई मीन टू से ग्रांट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज योर कोर्स सिलेक्शन। जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करते हो, वो कोर्स आपकी बैकग्राउंड जो स्टडी आपने की है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। मेक श्योर कि आपने जो पहले स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे कोर्स सिलेक्ट करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कॉमर्स में प्लस टू की है, तो उसमें जो आप नेक्स्ट ग्रेजुएट में करना जा रहे हो या कोई डिप्लोमा होने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट स्टडी को सिलेक्ट करें। फॉर इंस्टेंस, कॉमर्स से आगे आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ऐसे कोर्स ही आप सिलेक्ट करें जो आपकी बैकग्राउंड स्टडी से मैच करता हो। हाँ, कोर्स सिलेक्ट करते समय आप एक चीज़ माइंड में रखें कि आपने जो पीछे के जो आपने स्टडी किए है उसमें आप देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेस क्या है। फॉर इंस्टेंस, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैथ्स अच्छा है या अकाउंटिंग अच्छी है या इकोनॉमिक्स अच्छी है, तो आप उसी को आप मेन फैक्टर लेके चले अपना कोर्स सिलेक्ट करते समय। सो सेकंड फैक्टर जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है इज द एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया। जब भी आप किसी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में जाते हो, तो यू नो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट एडमिटेड इन अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। सो ईच एंड एवरी कॉलेज, ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया फॉर गेटिंग एडमिटेड और फॉर गेटिंग द एडमिशन फॉर द स्टूडेंट। जब भी आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करें, अपना कोर्स सिलेक्ट करें, तो उसमें अपने एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया भी ज़रूर चेक करें कि अगर आप इस कोर्स को सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। क्या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या आपके बैकग्राउंड की स्टडी की रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या अदर फैक्टर्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर गेटिंग एडमिशन इन दैट कोर्स और इन दैट कॉलेज। ठीक है, सम पीपल यूजली डोंट नो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, एडमिशन सेक्शन में जाएं, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ से कैसे आपकी एलिजिबिलिटी पूरी करनी है। वेरी मेन फैक्टर अबाउट द एलिजिबिलिटी इज आईएलटीएस स्कोर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल। ठीक है, जनरली हम आईएलटीएस को ही कंसीडर करते हैं फॉर गिविंग द प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो आईएलटीएस में रिक्वायर्ड होती है अबाउट मिनिमम 6 बैंड्स ईच। ऑल्दो हर कॉलेज की अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट ऑन एन एवरेज वी कैन से कि 6 बैंड इज रिक्वायर्ड। बट 6 बैंड उस पर्सन के लिए है जो ऑलरेडी प्लस टू उसने की हुई है, आगे वो ग्रेजुएशन के कोर्स में जा रहा है या फिर किसी डिप्लोमा के कोर्स में जा रहा है। गॉट इट? वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक क्लियर टू यू कि जो आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है इज डिफरेंट फॉर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड एम्बेसी की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कि यू कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन इन 5.5 बैंड्स, इट डजंट मेक श्योर दैट यू विल गेट अ वीजा ऑन 5.5 बैंड्स। ओके, अकॉर्डिंग टू एम्बेसी यू मस्ट हैव 6 बैंड्स ईच and overall 6 band as well to prove that you are eligible for that course, okay, to prove your proficiency level ki aap is level ke ho, so that you can go to an English country and speak there and learn whatever you have gone there to learn, okay. So make sure ki aap at least itne bands zarur lein before applying for the visa,
ऑल्दो देयर मेनी एजेंट्स हु से कि आपका वीजा लग जाएगा वीजा नहीं लगेगा, बट अगर आपकी बैंड स्कोर कम है देयर आर लॉट ऑफ चांसेस यू गेट रिजेक्टेड। ओके, मेक श्योर कि आप अच्छी प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ ही अप्लाई करें, स्ट्रॉन्ग बैंड स्कोर के साथ प्रोफाइल करें। आई विल रिकमेंड कि आप 6 से ऊपर ही लें बिकॉज 6 इज द बेसलाइन। सो इफ यू विल बी गेटिंग 6.5 और 7 देन योर प्रोफाइल विल बी कंसिडर्ड एज अ मेरिट प्रोफाइल। सो नेक्स्ट फैक्टर जो आपकी स्टडी वीजा की रिजेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है दैट इज योर गैप। गैप इन द सेंस कि आपकी स्टडी गैप, फॉर इंस्टेंस अगर आपने 2018 में अपनी प्लस टू क्लियर की है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन इन 2022, सो देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 3 and 3.5 years, सो दिस कॉल अ स्टडी गैप। मेक श्योर कि अगर आपका स्टडी गैप 1.5 years ही हो और 2 years ही हो, इट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। ऑल्दो अगर आपका गैप ज्यादा भी है बट यू नीड टू जस्टिफाई दैट गैप। जस्टिफाई आई मीन टू से कि आपको बताना है कि आपने उस गैप के दौरान क्या किया विद प्रूफ्स। फॉर इंस्टेंस अगर आपने उस गैप के दौरान कोई जॉब की तो यू कैन गिव योर एक्सपीरियंस लेटर और कोई सैलरी स्लिप्स अगर आपके अकाउंट्स में आती है और एक्सेट्रा अदर थिंग्स यू कैन प्रोवाइड विच प्रूव्स दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बिना इस दीज डॉक्यूमेंट्स के आप अप्लाई मत कीजिए बिकॉज इट इज अ वेरी मेन थिंग दैट अ बैजडर विल कंसिडर वेल ग्रांटिंग यू अ वीजा और रिजेक्टिंग योर वीजा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। बाय ऑथेंटिसिटी आई मीन टू से कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई लगा रहे हो साथ में फाइल के, इधर इट इज रिलेटेड टू योर academics, either it is related to your financial stability, either it is related to any other thing that you are applying with your file, make sure ki wo authentic ho, wo real ho, aur wo kisi bhi tarah se fake na ho. It can ruin your profile, it can make a bad effect on your profile and your visa may get rejected, and there are a lot of chances that you might get rejected because while considering about the granting the visa or rejecting the visa, the ambassador always checks about authenticity of the documents. Let's talk about next factor. But अगले step पे जाने से पहले मैं आपसे request करता हूँ, अगर आपको ये video थोड़ी सी भी helpful लग रही है, make sure आप इसको like करें और मेरे channel को subscribe करें so that ऐसी video आप time पे आप जब भी मैं upload करूँ आपको मिल सके। तो बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट फैक्टर इज सिलेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट। जब भी आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर कि वो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से एक डेजिग्नेटेड कॉलेज है बिकॉज कनाडा गवर्नमेंट ने अपनी एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें ऑल डेजिग्नेटेड कॉलेज जो मान्यता प्राप्त है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से उसमें शामिल है। तो मेक श्योर कि वो एक डेजिग्नेटेड कॉलेज है बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीजा। तो नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है दैट इज एसओपी। बाय एसओपी आई मीन टू से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ काइंड ऑफ लेटर, इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिसमें आप बताते हैं कि आप कनाडा क्या करने जा रहे हो। ठीक है, इसमें अगर कोई स्टूडेंट अपने अपनी फीलिंग्स को अपने इंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता सो यू मे गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, मेक श्योर कि आप जो भी आप लिख रहे हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो क्लियर हो एंड टू द पॉइंट हो टू द एम्बेसडर सो दैट ही कैन डिसाइड वेदर यू विल बी गेटिंग वीजा। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो प्रूव होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप लाइक बटन को जरूर दबाएं और मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें सो दैट आने वाली वीडियोज जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको शो हो जाए एंड यू कैन वॉच द वीडियो व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू।